इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS एंड मेडिसिन एबिस नाइग्रा। द पर्पज ऑफ नॉलेज शेयर्ड हियर इज ओनली एजुकेशनल एंड टू इंक्रीज अवेयरनेस। प्लीज ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन। सेल्फ ट्रीटमेंट में ऑलवेज बी इंजूरियस। मित्रों, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS हमारे समाज में बढ़ता जा रहा है। खान पान व दिनचर्या का इस बीमारी में बहुत योगदान है। दरअसल दिनचर्या व खान पान की गड़बड़ी से ही यह बीमारी बनती है। कई बार रोगी चाह कर भी अपने रूटीन में परिवर्तन नहीं कर सकता, फलस्वरूप वो लगातार बीमार रहने लगता है और अंग्रेजी दवाइयों का आदी हो जाता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS इज ए कॉमन डिसऑर्डर दीज डेज। यू मे हैव क्रैम्पिंग, एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग, गैस, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन आर बोथ। IBS इज ए क्रॉनिक कंडीशन दैट यू विल नीड टू मैनेज लॉन्ग टर्म। स्टमक पेन और क्रैम्प्स आर यूजुअली वर्स आफ्टर ईटिंग एंड बेटर आफ्टर स्टूल। ब्लोटिंग, योर टमी में फील अनकंफर्टेबली फुल एंड सोलन। डायरिया, यू मे हैव वाटरी स्टूल एंड समटाइम्स नीड टू गो सडनली। कॉन्स्टिपेशन, यू मे स्ट्रेन व्हेन सिटिंग फॉर स्टूल एंड फील लाइक यू कैन नॉट एम्प्टी योर बाउल्स फुल्ली। होम्योपैथिक दवाओं से आप पूर्णतया रोग मुक्त हो सकते हैं। डोज इज सजेस्टेड एट द एंड। दवा की मात्रा और पोटेंसी अंत में बताई गई है। आइए जानें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS में दवा एबिस नाइग्रा कब उपयोगी है। टोटल लॉस ऑफ एपिटाइट इन द मॉर्निंग, क्रेविंग फॉर फूड एट नून एंड एक्सीडिंगली हंग्री एंड वेकफुल एट नाइट, पेन आफ्टर ए हर्टी मील बट एब्स्टिनेंस फ्रॉम एनी पर्टिकुलर फूड डज नॉट रिलीव द डिस्पेप्सिया, बेल्चिंग एंड एसिड इरेक्टेशंस, फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग, सेंसेशन एज इफ सम इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंस हैड स्टक इन द कार्डियक एंड ऑफ द स्टमक, लैक्टिक एसिड, सेंसेशन एज इफ ऑल फूड लॉस्ड अंडर अपर एंड ऑफ स्टमक, कंटिन्यूअल डिस्ट्रेसिंग कॉन्स्ट्रिक्शन जस्ट अबव द पिट ऑफ स्टमक एज इफ एवरीथिंग वेयर नॉटेड अप और एज इफ ए हार्ड लंप ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड रिमेंड देयर, वर्स व्हेन एवर हिज वाइटल इनर्जी इज बिलो पार, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, कॉन्स्टिपेशन, इन डिस्पेप्टिक ट्रबल्स ऑफ द एज्ड विद फंक्शनल हार्ट सिम्टम्स, also after tea or tobacco, dyspnea, worse lying down, sharp cutting pain in heart, heart section heavy and slow, tachycardia, bradycardia, alternate heat and cold, chronic intermittent fever with pain in stomach. Dose 6, 12, 30 potency. 1 drop in 10 ml water 4 times a day or as advised by your doctor. Thank you.